गुड डे एवरीवन, मैं हूं इंस्पेक्टर मनीष यादव, डिस्ट्रिक्ट साइबर सेल ईस्ट दिल्ली। आज आपको एक ऐसे साइबर फ्रॉड के तरीके के बारे में बताना चाहूंगा जिसके बारे में काफी लोग अवेयर हो चुके हैं, लेकिन काफी ज्यादा लोगों को अवेयरनेस की आवश्यकता है। आपको किसी अनजान लड़की की फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, या व्हाट्सएप पर डायरेक्ट आ सकता है मैसेज, या फेसबुक मैसेंजर, इसके ऊपर मैसेज आने शुरू होते हैं। धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है, वो आप में इंटरेस्ट दिखाती है और आपसे वीडियो कॉल करेगी या करने के लिए कहेगी। कई बार मैसेज रिकॉर्डेड होते हैं, कई बार लड़कियां उस तरफ लाइव हो सकती हैं। आप उस ट्रैप में आ जाते हैं। अगर उस तरफ लड़की है तो कई बार वो कम कपड़ों में होती हैं या आपसे कपड़े उतारने के लिए कहती हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी फोन पर ही वीडियो शूट हो जाती है। उस वीडियो को दिखाकर भेजकर आपको ये कहा जाता है कि आप इतने पैसे, इतना अमाउंट दे दीजिए, वरना हम इसे फेसबुक पर आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को, फैमिली वालों को भेज देंगे। इससे बचने के लिए आपसे पैसे मांगे जाते हैं आपके प्रोफाइल के हिसाब से। 500 रुपये से लेके 1 लाख रुपये तक कुछ भी अमाउंट मांगा जा सकता है। तो अब आपसे अनुरोध ये है कि जब भी आपके पास कोई इस तरह की फ्रेंड रिक्वेस्ट या मैसेज आए तो भागकर शीशे के सामने जाएं और ऐसे ऐसे करके 2-3 बार अपना चेहरा गौर से देखें और फिर ये सोचें कि आपके चेहरे के अंदर ऐसा क्या है कि उस लड़की ने अपने आसपास मौजूद सभी लड़कों और फेसबुक पर मौजूद करोड़ों लोगों में से केवल आपको चुना। अपनी गलतफहमी दूर करें। असल जिंदगी में तो लड़कियों को उनके आसपास मौजूद लड़कों के ऑफर्स को ठुकराने से ही फुर्सत नहीं मिलती। तो दूसरी टिप, अगर ऐसी वीडियो बन जाए तो किसी भी वजह से पैसे ना दें। इस क्राइम की रिपोर्टिंग अपने लोकल पुलिस स्टेशन में, जो भी कोई आसपास मौजूद ऑप्शन है वहां पे करें। जितने आप पैसे देते रहेंगे डिमांड बढ़ती रहेगी। उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे और खुद को इम्प्रूव करेंगे। धन्यवाद। ये एक अवेयरनेस वीडियो है। अगर आपको लगता है कि आपके किसी जानकार को भी इस बारे में पता होना चाहिए तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।